गुड मॉर्निंग, आज आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको भूई आंवला या ये भूमि आंवला एक खरपतवार है और इसके बारे में मैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें बता रही हूँ। ये एक आयुर्वेदिक औषधीय पौधा है, बहुत सारी बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको कई नामों से भी जाना जाता है और इसको कई तरह से यूज भी किया जाता है। ये वैसे एक खेतों के अंदर है खरपतवार के रूप में, हर जगह से ये बरसात के टाइम में उगा हुआ दिखाई दे जाता है इस तरह से, और इसको लगभग लोग खरपतवार समझकर और हम सभी इसको काट देते हैं। तो आप इसके एक बार है यूज जान जाओगे बीमारियों में, तो दोबारा से आप काटना भूल जाओगे इसको। ये इस तरह का प्लांट होता है, इसका आंवले के जैसे ही दिखाई देता है और इसके आंवले के जैसे ही फैलाते हैं छोटे छोटे, जो ये देख सकते हो। इसे करीब से दिखा रही हूँ मैं आपको, आंवले की तरह इसके जैसे लीप को पकड़कर और उल्टी साइड इस तरह से करते हैं, तो इस तरह से छोटे छोटे आंवले लगे हुए होते हैं। ये छोटे आंवले और आंवला का बड़ा प्लांट होता है और ये छोटा, इतना ही अंतर होता है इसमें। ये भूमि आंवला या भूई आंवला बोला जाता है, और वो जो आंवला है जितने बेनिफिट उस आंवले को खाने से मिलते हैं उससे कहीं ज़्यादा इसको खाने से बेनिफिट मिलते हैं। इसको स्टोन ब्रेकर भी बोला जाता है, शायद ये किडनी से जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं या स्टोन वगैरह होते हैं किडनी में, उसको पिघला कर वो बाहर निकालने में यूज की जाती है, इसीलिए इसको स्टोन ब्रेकर को भी कहा जाता है। और ये फैटी लीवर की जो भी प्रॉब्लम होती है उनका इलाज करने में इसका यूज किया जाता है, और कहीं घाव हो गया है, चोट हो गई है और ऊपर से स्किन छिल गई है, तो उसके ऊपर इसका जो लीप है इनको पीस कर इसका लेप लगाएंगे तो घाव जल्दी ठीक हो जाएगा। और आंखें कमज़ोर हैं या आंखों में रेडपन है या अन्य कोई एलर्जी वगैरह है तो वो प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। और जैसे बॉडी के अंदर कहीं भी स्वेलिंग आ गई है तो इसका काढ़ा बनाकर पीने से है, वो कैसी भी जैसे लीवर पे है, किडनी पे है या कहीं आंत वगैरह पे स्वेलिंग है, वो ठीक हो जाती है। लगभग इसका 8 से 10 दिन के अंदर इसका काढ़ा बनाकर पियेंगे तो आपको ऑटोमेटिक इसका रिजल्ट दिखाई देने लग जाएगा, आपकी पाचन क्रिया है वो ठीक हो जाएगी। और अन्य कोई भी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, खाने पीने हजम नहीं हो रहा है, गैस है, इस तरह की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती हैं। और आपके अचानक से पेट में दर्द हो रहा है तेज का और आपको ये मालूम नहीं हो पा रहा है कि ये दर्द किस रीजन से है, तो आप इसकी लीप का काढ़ा बनाकर पियोगे तो आपका जो पेट का दर्द है उसमें काफ़ी रिलीफ मिलेगा। चाहे कैसा भी दर्द है तो थोड़ी देर के लिए इसे काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा आपको। और इसका स्वाद थोड़ा कड़वा होता है तो आप इसमें थोड़ा मीठा मिलाकर पी सकते हो, चीनी वगैरह मिलाकर। इसको कंट्री गोसबेरी भी बोला जाता है और भूई आंवला भी बोला जाता है, इसको भूमि आंवला भी बोला जाता है, इसको कई नामों से जाना जाता है। और इस तरह से इसके मार्केट में भी पाउडर है, चूर्ण है, इस तरह से जूस है, काफ़ी तरह से मार्केट में अवेलेबल है। आप किसी भी रूप में इसको ले सकते हो, आप चाहो तो जूस के रूप में ले सकते हो, पाउडर के रूप में ले सकते हो, और इसको कई बीमारियों में आप इसका यूज कर सकते हो। और खेतों में इसको उखाड़ कर और कहीं गार्डन वगैरह में खरपतवार के रूप में तो वहाँ से उखाड़ कर भी इसको यूज़ कर सकते हो। और इस तरह से इसके नर्सरी के अंदर प्लांट भी मिल जाते हैं, जैसे आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो वहाँ इसके ऑनलाइन प्लांट भी मिलते हैं, सीड्स भी मिलते हैं। और इसका पाउडर है वो 100 ग्राम पाउडर का पैक है, वो लगभग 200 रुपीज़ का आता है, तो ये वैसे ज़्यादा सस्ता भी नहीं होता। काफ़ी अन्य जो जड़ी बूटियाँ आते हैं उन्हीं की तरह इसका पाउडर भी बिकता है। तो इसको आप पूरा प्लांट उखाड़िए और इसको जो नीचे की रूट है उसको तला कर दो जहाँ से मिट्टी लगी हुई है, और ऊपर का हिस्सा है उसका आपको इस तरह से यहाँ से तोड़ कर और आप इनकी लीप को ऐसे चबा भी सकते हो। सुबह सुबह खाली पेट चबाओगे तो आपकी पेट से रिलेटेड लीवर से प्रॉब्लम है, कई लीवर से रिलेटेड वो प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएंगे आपकी कई बीमारियाँ। और अन्य कई जैसे आप चाह रहे हो कि इसका इस तरह से चबाया नहीं जा रहा है तो आप इसको उखाड़ कर और इसका काढ़ा बनाकर पी लीजिए, जिससे आपको बहुत बीमारियों में बेनिफिट मिलेगा। और यदि आपके मधुमेह तो आप मधुमेह के अंदर इसको इसके जो लीफ आई हुई हैं पत्तियां इनको बीन कर और फिर काली मिर्च मिलाकर इनको पीस कर और उनको
चटनी बनाकर खा लीजिए, मधुमेह में काफ़ी आपको रिलीफ मिलेगा। और मधुमेह के रोगियों के कोई घाव हो जाता है तो ठीक नहीं हो पाता है, तो उस घाव को ठीक करने में भी काफ़ी मददगार सिद्ध होगा। और जैसे हमारी बॉडी के अंदर लीवर है, वो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। और यदि ये फैटी हो जाता है, आजकल के जंक फूड हैं या बैठ कर जैसे किसी कंप्यूटर वगैरह का इस तरह का कोई कार्य है जिस पे बैठे रहते हैं, तो हाँ तो अपनी बॉडी के अंदर ये लीवर फैटी हो जाता है और कमज़ोर हो जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए भी इसका रोज़ काढ़ा बनाकर पियेंगे तो लगभग 15 दिन के अंदर आपकी लीवर है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और किडनी के अंदर है फिल्ट्रेशन के लिए भी इसका काढ़ा बनाकर पियेंगे तो यूरिन वगैरह में कोई जलन वगैरह की प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक हो जाएगी। कोड रोग है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे इसके अंदर है विटामिन ए और सी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। आयुर्वेदिक औषधियों में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कैंसर के लिए इसकी दवाइयाँ वगैरह बनाई जाती हैं उनमें इसका यूज किया जाता है, और वायरल इन्फेक्शन हो जाता है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका खाड़ा है किडनी स्टोन को पिघलाकर निकाल देता है, यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाती है छोटे छोटे पीस होकर। और ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है जिससे अपन कई बीमारियों से लड़ लेते हैं और बीमारियां अपन से कोसों दूर भग जाती हैं ये रोज़ इस्तेमाल करते हैं तो। और जैसे गठिया रोग हो गया है, जोड़ों में स्वेलिंग आ गई है, जोड़ों में दर्द है, हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, तो उसमें भी इसका यूज है रोज़ाना करने से काफ़ी इसे रिलीफ मिलेगा। थायराइड में इसका यूज किया जाता है, और वीकनेस रहती है तो उसमें भी इसका रोज़ सेवन करोगे तो वीकनेस भी दूर हो जाएगी। और जैसे स्किन पे कोई एलर्जी हो गई है और चकते बन चुके हैं स्किन पे, तो इसका पेस्ट बनाकर लगाने से जो स्किन के चकते हैं वो मिट जाएंगे। इस तरह से इसका बहुत सारी बीमारियों में यूज किया जाता है, और यूज करना इसका बहुत ईजी है। जैसे आप इनकी लीफ को तोड़कर और सुबह और शाम दोनों टाइम चबा सकते हो, और इस तरह से चबाने में आपको कड़वी लग रही है तो इसको उखाड़ कर इसको अच्छे से वॉश करके और पानी में उबाल लीजिए, और उबालने के बाद है इसका जो रस निकलता है उसको पी लीजिए। इस तरह से नहीं पी सकते आप डायरेक्ट, तो आप थोड़ी इसके अंदर चीनी मिलाकर पी सकते हो। लेकिन जैसे मधुमेह के रोगी हैं उनको डॉक्टर से कंसल्ट करके इसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि यह शुगर लेवल को कम करता है। और जिनका पहले से मेडिसिन वगैरह चल रही हैं मधुमेह के रोगियों के लिए, और फिर यदि ये खा लोगे तो आपका जो शुगर लेवल है वो ज़्यादा नीचे आ जाएगा, और फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप पहले डॉक्टर से कंसल्ट करके उसके बाद इसका इस्तेमाल करें। और अन्य डिजीज़ के लिए आप इसको रोज़ इस्तेमाल करोगे तो कुछ भी आपको अभी पता नहीं है और अंदर कुछ डिजीज पनप रही है तो वो अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। तो इसको इस तरह से फेंकिए मत। और ये वैसे लगभग इस टाइम पर सभी के घरों में आसपास काफ़ी जगह में मिल जाएंगी, जिस तरह से हमारे खेत के अंदर ये इस तरह से उगी हुई हैं और उसी तरह से सभी के हैं, तो आप इसका यूज कीजिए और काफ़ी बेनिफिट लीजिए। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके किसी ने इसका इस्तेमाल किया है और आपको कितना बेनिफिट मिला है, तो आप ज़रूर कमेंट करना। ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना जिससे आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। शुरू से एंड तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और आप इसी तरह से मेरे प्रत्येक वीडियो में अपना सपोर्ट बनाए रखना। और जिस तरह से ये वीड्स वगैरह खेतों में उगे हुए हैं उनका इस तरह से नॉलेज पाकर उनसे काफ़ी बेनिफिट लीजिए।